26 तारीख को टिबड़ी थाना क्षेत्र में रानीपुर में एक डेड बॉडी महिला की मिली थी जो कंकाल स्वरूप में रही, उसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही थी। और इस संबंध में हमारी टीम जो जितनी गुमशुदगी पूर्व में लिखी गई थी उस संबंध में जानकारी कर रहे थे। कुछ क्लू मिले थे लोकल लेवल पर कि लड़की लोकल लेवल पर थी और कुछ जानकारी अन्यत्र सूत्रों से मिली थी। इसी दौरान वादी से है रामप्रसाद जी जो मृतका के जो फादर हैं उनके द्वारा एक गुमशुदगी थाना सिटकुल पर लिखवाई गई। और इसके बाद जब गुमशुदगी में जो कंकाल के रूप में बॉडी मिली थी जब उसके कपड़ों की पहचान कराई गई तो कपड़ों से उनके परिवार जनों ने पहचान करी। इसके उपरांत मुकदमा इसमें करवट करने के बाद विवेचना चल हमारी स्टार्ट हो गई थी क्योंकि कुछ पहले से क्लू मिले थे उसके आधार पर हमारी टीमें जो है जो पुराने जानने वाले थे मृतका के लोग जो संपर्क में आए थे जो उनके साथ फैक्ट्री में काम करते हो उन सभी से पूछताछ की गई और उनसे जानकारी की गई। उसमें सुपरवाइजर जो पुनीत है जो उसी फैक्ट्री में काम करता है उस पर जब संदेह हुआ और उसकी पूरी कॉल डिटेल वगैरह चेक की गई तो कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता प्रथम दृष्टि आई। जिस पर हमारी टीम द्वारा पूछताछ जब की गई तो पूरा घटनाक्रम बताया गया। कहीं ना कहीं वह उसको किसी बहाने से लाकर पूर्व में जो उसके जान पहचान और संबंध थे उसके कारण वो उसके झांसे में उसको लेकर आया और इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या करने के बाद टिबड़ी के सुनसान क्षेत्र में पानी में डाल दिया था क्योंकि बॉडी पानी में जाने के कारण काफ़ी गल गई थी तो शिनाख्त उसकी करना मुश्किल था। लेकिन परिजनों ने जो है जब गुमशुदगी लिखाई तो उसके कपड़ों से उसकी शिनाख्त हो गई है और इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अभियुक्त के कब्जे से भी कुछ ऐसे चीज़ें मिली हैं जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो मृतका के थे जो उसके पोजिशन में पुलिस ने बरामद किए हैं जो पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को इसमें जुड़ती हुई पाई गई है।